एक बार फिर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भिलाई निगम क्षेत्र के पेंशन धारी इन दिनों काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके खाते में पेंशन की राशि का आना बंद हो गया है, जिसमें पेंशन धारी खासे परेशान हो रहे हैं और नगर निगम पहुंचकर कारणों का पता लगा रहे हैं। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में सामाजिक सहायता योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 21,294 से अधिक पेंशन प्राप्त हितग्राही हैं, जो कि शासन के विभिन्न योजनाओं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन के तहत डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तहत पेंशन हितग्राही के आधार बेस पर सीधे खाते में जा रहा है। स्थानीय प्रशासन से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार ऐसे पेंशन हितग्राही जिनका आधार कार्ड पिछले 10 वर्ष पहले बना हो अथवा 10 वर्ष पहले अपडेट हुआ हो, उनका आधार कार्ड पुनः आधार सेंटर के माध्यम से अपडेट कराते हुए संबंधित बैंक जिसमें हितग्राही अपना पेंशन राशि प्राप्त करता है उस बैंक में आधार अपडेट पश्चात उसी बैंक में KYC कराना हितग्राहियों को आवश्यक है। हितग्राहियों का आधार बैंक से अपडेट नहीं होने के कारण उनके खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से पेंशन की राशि का भुगतान करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे सभी पेंशन हितग्राही अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र में जाकर आधार कार्ड को पुनः अपडेट करवाने के पश्चात बैंक में KYC करवा लें। हितग्राहियों की सुविधा के लिए नगर निगम के जोन कार्यालयों में विभिन्न वार्डों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हितग्राही सुविधा अनुसार इसका